हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल देसी फ्लेवर विद रुद्राक्षी। तो आज हम फिर से कुछ स्पेशल बनाने जा रहे हैं, जो कि पनीर रेसिपी है, जो मसाला पनीर। मसाला पनीर बनाने के लिए हमें चाहिए कुछ कटे हुए प्याज, स्प्लिट की हुई हरी मिर्च, टमाटर, हींग और चीनी, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, देगी मिर्च, जीरा, काली मिर्च, अदरक लहसुन पेस्ट, सब्जी मसाला और कुछ सूखी लाल मिर्च, लौंग और ये सिनेमन स्टिक्स और बे लीफ। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो जरूर कीजिए कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब। मैंने पैन रख दिया है, ऑयल इस पे चढ़ा दिया है। अब इसमें हम सूखे अपने मसाले डालेंगे। इसमें दो सूखी लाल मिर्च, लौंग, सिनेमन स्टिक, बे लीफ, अब इसमें डालेंगे हम अपना होल जीरा। जीरा हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे अपने प्याज और एक स्प्लिट की हुई हरी मिर्ची। आप सोच रहे होंगे इतने बड़े बड़े टुकड़े प्याज के क्यों डाले, क्योंकि हमने इसको लास्ट में ग्राइंड करना है। और ये सूखी लाल मिर्च इसलिए डाली क्योंकि इससे कलर बहुत अच्छा आता है, तो ज्यादा मिर्ची आप ऐड मत कीजिए, इसलिए मैंने एक ही हरी मिर्च डाली है। इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन पेस्ट। और ये जो हमारा पनीर है, इसमें बिल्कुल जैसे शादी में पनीर बनता है ना, वैसा फ्लेवर आता है। आप जरूर ट्राई कीजिए और देखिए मेरी आगे आगे रेसिपी कैसे। मेरे प्याज हो चुके हैं, अब इसमें हम डालेंगे अपने कटे हुए टमाटर। अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा सब्जी मसाला, थोड़ी सी काली मिर्च क्योंकि ऑलरेडी हमारी मिर्ची डली हुई है, और देगी मिर्च, कश्मीरी मिर्च भी बोलते हैं जिसे, कलर के लिए, और थोड़ा धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। इसे एक अच्छा सा मिक्स देके इसे पकाते हैं। इसमें हम थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे ताकि जो हमारा मसाला है वो नीचे जले ना। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर रहे हैं। हमारा ये मिश्रण अब ठंडा हो चुका है, अब इसे हम ग्राइंड करेंगे। देखिए इसमें कलर कितना अच्छा है, ये पनीर मसाला भी बोल सकते हैं इसे, हम पनीर ग्रेवी भी बोल सकते हैं, और बहुत टेस्टी, बहुत लजीज बनता है ये। हमारा मसाला ग्राइंड हो चुका है, अब इसमें हमने थोड़ा सा बटर डाला ताकि इसका फ्लेवर थोड़ा और एनहेंस हो। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डालें, नहीं तो ऐसे भी ठीक है। अब इसमें हम अपना रेडी किया हुआ मसाला डालेंगे। अब इस स्टेज में आप अपना ग्रेवी का नमक चेक कर सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो आप थोड़ा डाल सकते हैं, तो मुझे थोड़ा कम लग रहा है इसलिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसमें और फ्लेवर एनहांस करने के लिए हम थोड़ी सी इसमें चीनी डालेंगे, एक अच्छा सा मिक्स देके इसे एक बॉईल देंगे। देखिए कितना सुंदर इसमें कलर आया है, और फ्लेवर और टेस्ट से भरपूर ये ग्रेवी, बहुत टेस्टी लगेगी, जरूर ट्राई करना। अब इसमें ऐड करेंगे हम अपनी कसूरी मेथी, जो फ्लेवर को और अच्छा टेस्ट देगी। हमारी ग्रेवी एकदम रेडी हो चुकी है, अब इसमें हम ऐड करेंगे अपना पनीर। तो रेडी है ये हमारा मसाला ग्रेवी पनीर, जो बहुत ही लजीज है, आप जरूर ट्राई कीजिए इसे। अब इसे हम सर्व करके बताएंगे आपको। तो रेडी है हमारा ग्रेवी पनीर, और मसाला पनीर भी बोल सकते हैं इसे। सर्व कीजिए नान के साथ, रोटी के साथ, और आप राइस के साथ भी खा सकते हैं। होप सो आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो इसे ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट
और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।